सब्सक्राइब करें कैसीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, देखिए साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, यानी आपको एक्स का वैल्यू निकालना है यहाँ पे सॉल्व करके। देखिए दिया हुआ है गिवन साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, इतना दिया हुआ है। तो देखिए साइन इनवर्स 2 अल्फा ये जो होता है आपका 2 टेन इनवर्स अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, यानी 2 टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम इतना लिख दिए। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो 2 टेन इनवर्स बीटा के बराबर होता है। यानी वो यू कहिए कि 2 टेन इनवर्स बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसके जगह पर इसके बराबर होता है, तो इसके जगह पर ये लिख दिए हम। ठीक है, और ये 2 टेन इनवर्स एक्स। फिर हमने क्या किया, इन दोनों में से 2 कॉमन किया। देखिए 2 कॉमन कर लिए, तो ये इससे यहाँ बचा आपका टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा आपका टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। नाउ टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी फॉर्मूला पे इसको ऐड कीजिए। तो किए हैं, तो देखिए टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यहाँ पे ए और बी जो अल्फा बीटा है, तो टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। नाउ टेन इनवर्स को इस साइड ले जाइएगा, चाहे यू कहिए टेन इनवर्स इस साइड भी है और टेन इनवर्स इस साइड, तो दोनों और टेन इनवर्स कैंसिल हुआ, तो हो गया आपका यहाँ बचेगा ये बचेगा यहाँ बचेगा एक्स। तो एक्स को पहले यहाँ लिख दिए, ये वाला पार्ट यहाँ लिखा गया जो कि अब कैंसिल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, टेन इनवर्स ए एक्स प्लस 1/2 sec इनवर्स बी एक्स इज इक्वल टू 5/4, ये है आपका क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं, देखिए गिवेन है टेन इनवर्स ए एक्स प्लस 1/2 sec इनवर्स बी एक्स इज इक्वल टू 5/4, ये आपका दिया हुआ है। तो क्या किया हमने, इन तीनों टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें, तो 2 टेन इनवर्स ए एक्स हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ आपका sec इनवर्स बी एक्स, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 टेन इनवर्स ए एक्स, एक्स को क्या मान कीजिए आप, सिर्फ एक्स मानिए, तो 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक्स तो है नहीं, ए एक्स है तो 2ax होगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स x जो क्या होता है आपको फॉर्मूला मालूम होगा, देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, आपको तो मालूम होगा। तो इस फॉर्मूला पे इतना लिख दिया, तो tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू ये, तो 2ax अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू ये है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए और sec इनवर्स बी एक्स को इस आर एच एस की ओर भेजे तो माइनस sec इनवर्स बी एक्स हो गया। ठीक है, यानी 5/2 माइनस sec इनवर्स बी एक्स। नाउ टेन इनवर्स को मिस ले आएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 5/2 माइनस sec इनवर्स बी एक्स। ठीक है, तो हो गया आपका 2x, इतना तो 2ax आ गया अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 5/2 माइनस sec इनवर्स बी एक्स को हमने क्या किया है, कॉट इनवर्स में चेंज किया है, यानी सेकंड बस बी एक्स को आप कॉट इनवर्स फंक्शन में चेंज कर दीजिए। आपको मालूम है अगर कोई इनवर्स फंक्शन दिया गया हो तो उसे दूसरे फंक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, बिल्कुल भी मालूम है आपको, तो सेकंड बस बी एक्स को आप क्या कीजिए, कॉट इनवर्स बी एक्स में चेंज कर दिया। देखिए चेंज किए हैं आपको, तो इतना गया है सेकंड बस बी एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यानी सेकंड बस बी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, इतना हो गया। नाउ आगे देखिए, तो 2ax ये लिखा गया आपका ये, और देखिए 10 पाई ये क्या कीजिए आप, इसको थीटा मान लीजिए, तो 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, कॉट थीटा आता है, तो कॉट ये थीटा तो लिखा गया आपका। ठीक है, 10 पाई बाई 2 ये तो हम इसको थीटा माना, तो 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। देखिए तो कॉट ये लिख दिया यहाँ पे, कॉट
और थीटा इज इक्वल टू है तो ये लिखा गया आपका, अब कॉट इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा तो बच्चा आपका ये बचा, ठीक है इतना बच गया। अब हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया ये इससे और ये इससे, तो ये आके देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो गया 2x में और ये इधर आके 1 में, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड स्क्वायर किया, तो 2ax का स्क्वायर हो जाएगा 4a² x² अंडर रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा आपका bx² x² -1 और इसका स्क्वायर 1 - a² x² का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या करिए ये इससे 4a² x² से b इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई किए हैं तो आपका हो गया 4a² b² x x^4, ठीक है। अब इससे अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 है तो -4a² x² हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम a और -b फॉर्मूला पे इसको एक्सपेंड करते हैं यानी तोड़ते हैं, तो a² + b² - 2ab, ठीक है हो गया आपका। अब देखिए हमने क्या किया है, ये -4a² x² को आरसी साइड की लगे ले गए तो -7 ये प्लस हो गया, ठीक है देखिए बचा आपका यहाँ पे 4a² b² x^4 इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे -2a² x² और +4a² x², ये देखिए दोनों एक लाइक टर्म है तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस में है ये माइनस में, तो 2a² x² हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका 2a² x² हो जाएगा। नाउ क्या कीजिए आप, इस टर्म को पहले लिख दिए, देखिए ये वाला जो टर्म है आपका इसको पहले लिखे ऐड करके, ये जो टर्म है आपका 1 + a² x² का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है समझिए, ये जहाँ a इज इक्वल टू आपका 1 है, अब b इज इक्वल टू a² x², तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो लिख दिए इसको हम वैसे ही लिख दिए ये टर्म को, ठीक है। अब देखिए अब स्क्वायर था तो स्क्वायर इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 4a² b² x^4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट लीजिएगा इसका तो हो जाएगा आपका 2ab x², ठीक है। अब क्या कीजिए इस वाले ये जो है आपका ये टर्म इस साइड लाइए तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2ab x² - a² x² = 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन किए हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन किए हैं तो बचा आपका 2ab - a² = 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपको मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x² = हो जाएगा 1/2ab - a². अब x का वैल्यू निकलेगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन आ जाएगा 1/√2ab - a², आंसर हो गया। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट इस ए स्क्वायर है तो साइड आएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो 1/√2ab - a² हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 का 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का 2 ये है आपका 10 cos inverse x = sin 10 inverse 2, तो गिवन है 10 cos inverse x = sin 10 inverse 2, यहाँ पर दिया हुआ है। हमने क्या किया, cos inverse x को 10 inverse x में चेंज किया, तब ना ये 10 कैंसिल होगा, इस फंक्शन 10 फंक्शन को हटाने के लिए cos inverse को 10 inverse में चेंज करना पड़ेगा, तब ना 10 ये कैंसिल होगा, तो cos inverse x को हमने 10 inverse x में चेंज कर दिया, तो cos inverse x को चेंज कीजिएगा तो आपका 10 inverse में आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब 10 inverse 2 को sin inverse में हमने चेंज किया तो आपका आ गया sin inverse 2/√5, आप ये चेंज करके देख सकते हैं बिल्कुल आता होगा आपको। अब देखिए अब 10 और 10 inverse कैंसिल हो गया तो बचा आपका ये इधर बचा आपका 2/√5, ठीक है। फिर हम क्या हमने क्या किया स्क्वायर किया इसको, स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और नीचे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर 4/5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसको इससे और इसको इससे, देखिए तो 5 × 1 - x² हो गया, ये 4x² हो गया। फिर 5 से इसमें दोनों मल्टीप्लाई किए तो हो गया 5 - 5x² = 4x². नाउ ये -5x² को साइड भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 4x² + 5x² = 9x² हो जाएगा और इधर बचेगा 5, 5 लिख दिए, ठीक है।
अब एक्स स्क्वायर को वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर वैल्यू तो 5, 9 को इस साइड भेजेंगे तो 5/9 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा क्या, स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी अंडर रूट 5/9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5/3। 9 का स्क्वायर रूट क्या, 3, तो 3 लिख दिया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है टेन सेकेंड बस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 5, ये आपका है तो गिवन है, देखिए टेन सेकेंड बस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 5, ठीक है। तो देखिए क्या किया हमने, टेन इसको कैंसिल करना है, इसको भी कैंसिल करना है, तो इसी फंक्शन में इसको भी चेंज करना होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए सेकेंड बस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स, तो हमने इतना लिख दिया, और ये साइन कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 को साइन इनवर्स में चेंज कीजिएगा तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 अपॉन रूट 5, इतना आ जाएगा, इसको चेंज कीजिएगा साइन में तो इतना आएगा आपका। नाउ अब हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में चेंज करते हैं, तो आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कॉस इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में चेंज, देखिए तो आपका आ गया था कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, तो इसे वैल्यू पुट करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की जगह इतना आ जाएगा इज इक्वल टू ये, तो हो गया आपका टेन और टेन इनवर्स कैंसिल तो बचा आपका ये, तो ये लिखा गया, और साइन इनवर्स कैंसिल तो बचा आपका इधर 2/√5, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, स्क्वायर किए तो आपका हो गया स्क्वायर रूट हट गया यहाँ से, और एक्स का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, और ये रूट 5 का 5, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वही जस्ट जैसा अभी ऊपर में सॉल्व किया जस्ट वैसा ही इक्वेशन आ गया है, तो देखिए ये 5 से होगा 5, और ये माइनस 5x स्क्वायर, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4x स्क्वायर, फिर माइनस 5x स्क्वायर को साइड भेजिए तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ये 9x स्क्वायर इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर इक्वल टू 5/9, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/3 आंसर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो जरूर से शेयर करें वीडियो को, अपने दोस्तों को जरूर भेजें जो इस साल या नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 3 तो आपका हो गया, 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है cos 10 inverse x is equal to sin cot inverse 3/4, ये आपका दिया हुआ है, तो सो गिवन ये आपका जो दिया हुआ है वो लिख दिया, देखिए अब 10 inverse x को क्या किया हम cos inverse x में चेंज किया है, तो cos inverse x में चेंज किए हैं तो आपका आ गया है cos inverse 1 upon under root 1 plus x square, और cot inverse 3 by 4 को sin inverse में चेंज किए तो आपका हो गया sin inverse 4/5, ठीक है, तब cos inverse और cos एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो बचा आपका ये, यहाँ पर भी कैंसिल किया तो बचा आपका 4/5, ठीक है। अब स्क्वायर किए तो आपका ये तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसका 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 16 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25, तो ये 16 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 16 एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25 माइनस 16 इजिकल टू 9, यानी 16 एक्स स्क्वायर इजिकल टू 9, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 9/16, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3/4 आंसर। हाँ फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन का जो है आपका आंसर नहीं दिया है बुक में, तो आंसर आपका ये प्लस माइनस 3/4 होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इफ टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस फोर प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 5/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर टेन बस एक्स माइनस टू बटा एक्स माइनस चार प्लस टेन बस एक्स प्लस टू बटा एक्स प्लस चार इक्वल टू 5/4 हो, देन एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो गिवन है आपका, देखिए टेन बस इतना इक्वल टू 5/4, तो टेन इसको आप क्या कीजिए, ये वाला पार्ट को, इसको ए मानिए और या एक्स मानिए, एक्स और इसको वाई, तो टेन बस ए ही मान लीजिए, ए और बी, तो टेन बस ए प्लस टेन बस बी, ठीक है। तो टेन बस ए प्लस टेन बस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है टेन बस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी इक्वल टू 5/4, ये तो दिया आपका, ठीक है। फॉर्मूला पर हमने इसको ऐड कर दिया, आगे देखिए तो
अब हमने क्या किया है, एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम में, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इसके साथ हो, इसके साथ हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम में प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट लेके इसके साथ वन से मल्टीप्लाई होगा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर। ठीक है, एलसीएम आता है आपको लेना है, एलसीएम ले लीजिए तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तब पे इतना आ गया है, और नीचे में एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर। अरे देखिए नीचे में डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम में इतना आ जाएगा, देखिए ये और ये वाला दोनों इक्वल है तो कट जाएगा ये। ठीक है, जस्ट मिनट फ्रेंड्स, तो ये आपका कट गया, तो बचा आपका क्या, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर, और नीचे में एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, इतना बच गया, तो देखिए अब टेन वर्स था जो इस साइड आ गया, तो टेन फाइव बाई फोर हो गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स माइनस टू इंटू इन दोनों को, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। नीचे में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा ए, हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस। ठीक है, टेन पैंतालीस का वैल्यू वन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, या उसको आप जो इसमें जुड़ने लायक उसको जो लोड़िए, नहीं तो जो कटने लायक है उसको काटिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस टू एक्स और ये प्लस टू एक्स तो कट जाएगा, और देखिए फोर एक्स और माइनस फोर एक्स ये भी कटेगा, तो बचा क्या टू एक्स स्क्वायर और माइनस एट तो माइनस सिक्सटीन हो गया इधर, और इधर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस फोर हो जाएगा, तो यहाँ देखिए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ये प्लस एक्स स्क्वायर तो कटेगा ये भी, और यहाँ पे वन, तो यहाँ बचा पर टू एक्स स्क्वायर माइनस को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा आपका, और ये साइड का जो है ना ये वाला नीचे वाला देखिए टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा नहीं किया गया है, काटे नहीं है, काटे नहीं है, यह देख लीजिए हम क्या करते हैं, देखिए बचा आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन अपॉन ये माइनस सिक्सटीन प्लस फोर इजिकल टू कितना माइनस ट्वेल्व इजिकल टू वन, तो हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर ये माइनस ट्वेल्व और ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस सिक्सटीन, तो हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू फोर हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन इजिकल टू फोर, टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू फोर, तो यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट टू, आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और वीडियो को जरूर शेयर करें।